हंसदीप अच्छा खासा मेकअप लगाया है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक रन मिलेगा। तो कार्तिक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बाकी बची पांच गेंदों को कैश करना है। और बड़ा हिट लगाया, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है कि अब मैं क्लियर कर सकता हूं। पिछले ओवर में एक अच्छा रन रेट में जंप आया था और मिडल ऑफ द बैट से दो शॉट्स लगे हैं। तो ये पांच गेंदों में जितनी ज्यादा से ज्यादा गेंदे कार्तिक खेले यही बेहतर रहेगा कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए। और ये आउट, स्लोअर वन थी, पूरी तरह से बैट की स्पीड को एडजस्ट नहीं कर पाए और एक मोटा एज सीधा विकेट के ब्रेक लग सकता। तो चलिए अब ये चार गेंदे तो एक तरह से फिर से वापसी। ये बड़े मजेदार मैच रहा है, जैसे जैसे स्कोर बनता है एक विकेट जाती है, तो ये बिल्कुल बराबरी का मुझे लग रहा है कि एनकाउंटर। हल्की सी नाक चेन्नई की आगे है इस समय, मतलब मैं तो मानता हूँ बहुत ही ज्यादा आगे है। कार्तिक आउट हुए 24 पर 100 और बड़ा शॉट खेला है, लेकिन कोई भी फील्डर नहीं, टाइमिंग बढ़िया नहीं बैठी, लेकिन फिर भी दो रन मिल जाएंगे यहां पर और एक अतिरिक्त रन यहां मिलेगा कर्नाटका को। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई 16। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं बैठा, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली यहां पर, लाजवाब कमिटमेंट। दो रन बचाए अपनी टीम के लिए, बहुत ही शानदार फील्डिंग की है यहां पर। रन रेट अभी भी 8 से नीचे है जो कि बिलो पार है, इसलिए भी कि कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं बैटिंग की। और दूसरा, कर्नाटका बुलडोजर्स की रेपुटेशन जो है और पास्ट रिकॉर्ड जो है, सारी चीजें बताती हैं कि खुश नहीं होंगे कर्नाटक बुलडोजर्स वाले। कम से कम 180 प्लस का स्कोर तो मिनिमम चाहते थे वो। कोई भी खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अब गेंदबाजों के ऊपर अब दबाव आएगा और चेन्नई राइनोस की तारीफ करते हैं। जोर में सिर्फ 6 रन अब तक आए हैं, जब आपके पास 3-4 विकेट हाथ में हो और आखिरी ओवर में सिर्फ 6-7 रन मिले T20 में, तो आपको फिर शाबाशी देनी होगी। बिल्कुल, और ये आखिरी गेंद और रन आउट, रन नहीं बनता था, लेकिन विकेट कीपर ने आज शुरुआत अच्छी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया कीपिंग की। 156 पर 8 यहां पर बनाए हैं कर्नाटका बुलडोजर्स ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में। यहाँ पर रन नहीं बनता था, लेकिन फिर भी दौड़ गए और यही मुनासिब था, लेकिन विकेट कीपर तैयार थे, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग की है आज। लेकिन यहाँ कड़ा संघर्ष जो किया है चेन्नई ने, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है।